एक तरफ उज्जैन में नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला चल रहा है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी नाबालिग से रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर 6 साल की मासूम के साथ एक सिरफिरे युवक ने रेप किया। उसने गांव के बाहर मौजूद स्वास्थ्य उपकेंद्र में यह हैवानियत की। मासूम की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मासूम को इलाज के लिए भेजा और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। अब खबरें हैं कि आरोपी के साथ पुलिस का इनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलीबारी भी की। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। मामले को लेकर हरदोई के SP केशव चंद्र गोस्वामी ने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों के कस्टडी से वो भागा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थाना सांडी क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह 9:30 बजे करीब उसको CHC पे डॉक्टरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुके, लेकिन उसने टॉयलेट का बहाना करके बगल में गया और वहाँ से वो फरार हो गया। उसके बाद हमारी पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू की और CO साहब को भी बताया गया, हमें भी सूचना हुई, हमने और भी टीमें भेजी। करीब 2.5 घंटे बाद 11:30 बजे के आसपास मुलजिम दिखाई पड़ा कुटैना नहर पुल के पास, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फिर फायरिंग कर दिया और कहीं से उसके पास 2 घंटे 2.5 घंटे में कहीं उसके सहयोगी से उसे शस्त्र भी प्राप्त हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया जिसमें उसको घायल हुआ है, अभी उसके पैर में गोली लगी है घुटने में, और घायल के बाद उसको दबेच दिया गया, कारतूस तमंचा सभी कुछ मिले हैं, और पुलिस को भी गिरने पड़ने से उसके चोटें आई हैं जिसकी डॉक्टरी कराई जा रही है। साथ में जो लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी हैं हमारे, जिनके अभियुक्त जिनकी संरक्षा से भागा, उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। सर, किस तरह से इनको जो है हथियार उपलब्ध हुआ जिस वजह से उसने पुलिस पे हमला किया? ये जो भागा है तो 2-3 घंटे ये फरार होने में सफल रहा था, जिसे कई थानों की पुलिस ने घेराबंदी की है तब इसका पता चल पाया है, उसी दौरान इसके किसी सहयोगी ने इसको उपलब्ध कराया है। ये मामला सांडी थाने इलाके के एक गांव की है। यहाँ 6 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी गांव का रहने वाला 26 साल का विनोद मासूम के पास पहुंचा और उसे अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। वो बच्ची को गांव के बाहर स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले गया और वहां बच्ची के साथ रेप किया। मासूम की चीखें गाँव तक पहुंची तो गाँव वाले दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन लोगों ने घटना स्थल पर आरोपी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब आरोपी पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।